दोस्तों आपने इसराइल के आयरन ड्रोन के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक मानी जाती है। लेकिन यह काम कैसे करता है? तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो इसराइल के पूरे एरिया को बाहरी मिसाइलों से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें रडार कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर शामिल होते हैं। अब दरअसल इसराइल के किसी भी एरिया में जब भी किसी मिसाइल से हमला होता है, तब सबसे पहले रडार ऑटोमेटिकली उस मिसाइल को ट्रैक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचा देती है, जिसमें कंट्रोल सिस्टम का काम होता है मिसाइल की दिशा और स्पीड का पता लगाना और मिसाइल किस एरिया में गिरने वाली है। इसके बाद फाइनली आयरन ड्रोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिसाइल लॉन्च, जिसमें मौजूदा मिसाइल को तामीर मिसाइल कहते हैं। अब जैसे ही दुश्मन देश का मिसाइल इसराइल के जोन में इंटर करता है, तभी तामीर मिसाइल उसे फॉलो करती है, जिसमें तामीर मिसाइल में लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव और एक्सप्लोसिव भरे होने के कारण जैसे ही तामीर मिसाइल से गुजरते हुए कोई भी रॉकेट या मिसाइल इसकी वेव से टकराती है, तब तामीर मिसाइल अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेती है, जिसके कारण ओपोनेंट्स का मिसाइल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।